के बाद से ही कैसे झारखंड की जनता के हित में और खास करके इस मंत्रालय से कृषकों के जीवन को हम लोग कैसे आसान करें, उनकी उपज को कैसे दुगना किया जाए, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर लेकर के प्रयास होते रहे हैं। उस काम को और आगे बढ़ाना और तेजी से आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, प्राथमिकता में है। आज आप लोगों के सबके बेस्ट विशेष से प्रभार लिए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि फोकस्ड हम लोग विभाग में काम करेंगे, टाइमलाइन पे काम करेंगे और प्रयास ये रहेगा जो आज किसान अपने राज्य में चाहे वो सुखाड़ से परेशान हो, चाहे फिर उपज उसका फसल किसी तरह से नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि उन्हें मुआवजा तो मिले ही, साथ ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी और नई तकनीकों का भी इस्तेमाल अपने राज्य में हो ताकि वो बेहतर और उन्नत खेती कर सकें। मल्टीपल क्रॉप्स कैसे हो, समर्थन मूल्य की लड़ाई हमारे नेता काफ़ी समय से लड़ते रहे हैं। झारखंड में हम लोग कैसे एक एग्जाम्पल समर्थन मूल्य को लेकर के सेट करें, ये हमारे काम की प्राथमिकता में होगी। इस विभाग में काम करने वाले कई सारे लोग अपनी मांगों के साथ भी सरकार के पास आते रहें, उनके समाधान का प्रयास हमारा होगा। और जो भी खेती है वो सिंचाई पर निर्भर है, एक सामंजस्य इंटर डिपार्टमेंट भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों के खेत में पानी भी तरीके से पहुंचे। काम ज्यादा है, कैसे करिए? हाँ, हमारे हमारे मैनिफेस्टो में था, कैबिनेट से वह पारित हो चुका है, उसे बेहतर से बेहतर तरीके से किसानों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, जल्दी इम्प्लीमेंट हो, इस पर हम लोग काम करेंगे। मैम, राहुल गांधी आपके जो नेता हैं वो किसानों के आंदोलन में भी शामिल हुए और किसानों के साथ है, कि झारखंड उनकी जो योजना है उसको कैसे धरातल पर आप उतारेंगे? राहुल जी के ही दिशा निर्देश में या फिर जो भी आज मैं जिस मुकाम पे पहुंची हूँ, अगर लीडरशिप की बात करें तो राहुल जी हम लोगों के मेंटर गाइड हमेशा रहे और वो जिस तरीके से हम लोगों को सिखाए हैं कि आम जनता की आवाज़ बनना है, उन लोगों की आवाज़ बनना है जिनकी कोई सुनता नहीं है, तो किसानों को की जो परेशानी है इस राज्य में, उस आवाज़ को विधायक होने के नाते भी मैं अपने इलाके के किसानों की समस्याओं को समझी हूँ, उसका समाधान का भी हम लोगों ने प्रयास किया है। मेरा प्रयास ये होगा कि अब पूरे झारखंड में उसको लागू करने का। राहुल जी ने समर्थन मूल्य के कानून के की अनुशंसा की है, उसके लिए लड़ाई लड़े हैं, किसान आंदोलन में थे पूरे देश के, और दिल्ली में जब वो धरना कर रहे थे तो लगातार उनकी आवाज़ बन करके उठे। मैं कोशिश करूंगी कि जिन बातों को लेकर के राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की, उसको हम लोग यहाँ अपने झारखंड राज्य में सुनिश्चित करें। मेरे को क्या लगता है, पार्टी ने रिटर्न गिफ्ट आपको दिया है जो सैक्रिफाइस आपने किए थे? देखिए, पार्टी ने मुझे कोई ये पहला मौका नहीं दिया है, चाहे वो संगठन की बात हो या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात हो। मुझे संगठन में भी कई जिम्मेदारियां मिली, अलग अलग पदों पर मैं रही हूँ, यूथ कांग्रेस में, फिर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर महिला कांग्रेस में मैंने काम किया है, और आज जब राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव हूँ, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे पर्याप्त दिया है और अभी जो मुझे मिला है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत सारे उम्मीदों के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है। महागठबंधन के सरकार में मन जी के नेतृत्व में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जिस तरह से किसानों के लिए कल्पना राहुल जी करते हैं या हम लोगों की सरकार करती है, उसको धरती पर उतार के देखें। मंत्री से कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी रही थी, उस नाराजगी को कैसे? तो हमारे साथी विधायक हैं, सबके काम करने का अपना तरीका होता है, मुझे लगता है कई कामों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसको अंजाम तक पहुंचाना, और मैं एक संगठन की कार्यकर्ता रही हूं, तो अलग अलग जिम्मेदारी संगठन में रहा है। पूरे राज्य के जो खास करके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो मुझसे व्यक्तिगत तौर से भी जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि मैं उनकी बातों को बेहतर सुन पाऊंगी और उनके उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू। एक सवाल, मॉनसून आ गया है, बारिश नहीं हो रही, किसान बिल्कुल कई सारे चैलेंजेस सामने हैं। खेती आज बहुत हद तक प्रकृति पर भी निर्भर है, तो उन चीज़ों से कम कैसे किसानों को परेशानी हो या परिस्थिति के अनुरूप जो निर्णय लेने होंगे हम लोग विभाग से लेंगे।